नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार इन दिनों जनगणमन यात्रा कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में घूमकर एनआरसी और सीए का विरोध कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं। उसी कड़ी में आज उनका काफिला बक्सर पहुंचा। बक्सर के किला मैदान में कन्हैया कुमार ने आज़ादी के नारे लगाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आज़ादी पसंद है क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम के नाम के साथ आज़ाद जुड़ा है और चंद्रशेखर के नाम के साथ भी आज़ाद जुड़ा है, इसलिए मुझे आज़ादी पसंद है। साथ ही साथ लोगों के कहने पर उन्होंने आज़ादी के नारे लगाए। जरा आप ये वीडियो देखिए। हमको आजादी पसंद है क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम में भी आजाद है और चंद्रशेखर आजाद के नाम में भी आजाद है। अगर आपको समस्याओं से आजादी चाहिए तो आप भी हमारे साथ इस नारे को ध्वनि कीजिएगा। तो आपने वीडियो में देखा कन्हैया कुमार के आज़ादी के नारे लगाते ही लोग जो है वो काफ़ी उत्साहित हो रहे थे, काफ़ी लोगों में जोश भर गया, लोग उनके साथ आज़ादी के नारे में शामिल हो रहे थे, लोग भी नारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि बक्सर के बाद कन्हैया कुमार का जो काफिला है वो आरा जाएगा। आरा में जाकर वो लोगों को संबोधित करेंगे एनआरसी और सीए के खिलाफ, वहाँ पर भी वो रैली करेंगे। वो जनगणमन यात्रा के दौरान बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। ये यात्रा 29 फरवरी को ख़त्म होने वाली है। आपको बता दें कि आज 16वां दिन है जब कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं, जनगणमन यात्रा कर रहे हैं एनआरसी और सीए के विरोध में। अब देखना ये होगा कि 29 फरवरी को जब यात्रा समाप्त होती है और जो कहा गया है कि महारैली की जाएगी, संविधान बचाओ नागरिकता बचाओ महारैली, उसका क्या होता है, वो कहाँ पर आयोजित होते हैं और कितने लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।